Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. Today I'm going to discuss Thomas Hardy, a Victorian writer. So let's get started. Thomas Hardy was born in the year 1840 and he died in the year 1928. Wo poet the, novelist the, as well as short story writer the. He was born at Higherbock Hampton in Dorset. तो उनका बर्थ हुआ था डॉसेट में, हायरबॉक हैम्पटन इन डॉसेट. ही बिलोंग्ड टू नेचुरलिज्म. ये नेचुरलिज्म से बिलोंग करते थे, नेचुरलिज्म में बिलीव करते थे. दैट मीन्स इनकी नॉवेल्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल को, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को इन्होंने दिखाया है, ताकि जो एक्यूरेट उस टाइम की सोशल कंडीशंस थी, एनवायरमेंट थे, उनको वो डिपिक्ट कर सकें. तो नेचुरलिज्म मीन्स डिटेल में अगर हम एकदम रियलिस्टिक वे में अगर हम चीज़ों को बताते हैं तो दैट इज़ नेचुरलिज्म. थॉमस हार्डी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज से, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था फिलिप लार्किन को. तो ये ध्यान रखिए कि वो इन्फ्लुएंस्ड थे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज से, और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया फिलिप लार्किन को. थॉमस हार्डी की फर्स्ट वाइफ है एमा लिवनिया गिफोर्ड और सेकेंड वाइफ है फ्लोरेंस डुगडेल. तो फर्स्ट वाइफ का नेम इम्पॉर्टेंट है, एमा लिवनिया गिफोर्ड. थॉमस हार्डी फोकस्ड मोर ऑन डिक्लाइनिंग रूरल सोसाइटी एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर सेट इन सेमी फिक्शनल टाउन ऑफ वेक्सेस. तो ज़्यादातर ये फोकस करते थे, या जो इनकी थीम हुआ करती थी वो हुआ करती थी रूरल सोसाइटी की. ओके और इनकी ज़्यादातर नॉवल्स जो हैं वो एक फिक्शनल टाउन में सेटअप हैं, वो है वेक्सेस. इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि नॉवल्स ऑफ वेक्सेस जो हैं वो थॉमस हार्डी की है, या हार्डी इज़ द नॉवलिस्ट ऑफ वेक्सेस. तो ये वेक्सेस टर्म जो है वो थॉमस हार्डी से रिलेटेड है. अब हम आ जाते हैं इनके मेजर वर्क्स पे. इनका फर्स्ट नॉवल जो कि अनपब्लिश्ड रहा वो था द पुअर मैन एंड द लेडी. ये फर्स्ट नॉवल था और ये अनपब्लिश्ड है, यानी कभी भी पब्लिश नहीं हुआ. अदर नॉवल्स हैं थॉमस हार्डी के डेस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ द अर्बरविले, ड्यूड द ऑब्सक्योर, द ट्रम्पेट मेजर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वुडलैंडर्स, टू ऑन अ टॉर, द वेल बिलवड, अ स्केच ऑफ अ टेम्परामेंट. तो ये सारे ही 12 नेम्स आपको ध्यान होने चाहिए कि ये 12 नॉवल्स जो हैं वो थॉमस हार्डी के हैं. इन नॉवल्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देती हूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम. फर्स्ट इज डेस्परेट रेमेडीज. ये फर्स्ट पब्लिश नॉवल है थॉमस हार्डी की. तो थॉमस हार्डी की फर्स्ट पब्लिश नॉवल हो गई डेस्परेट रेमेडीज. इस नॉवल में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सीथ्रिया ग्रे, जो कि इन अफेयर है, या जो कि लव करती है एडवर्ड को. ओके बट सीथिया ग्रे की शादी हो जाती है मैरिड टू एनिस मैनस्टन. ओके तो सीथिया ग्रे इज़ इन लव विद एडवर्ड बट शी मैरिज एनिस मैनस्टन. और बाद में ये जो एनिस है ये अपने आप को हैंग कर लेता है, यानी ये सुसाइड कर लेता है जब लोगों को ये पता चलता है कि इसने अपनी फर्स्ट वाइफ का मर्डर किया था. ओके तो अब सीथिया ग्रे जो है वो विडो हो गई है, इसलिए सीथिया ग्रे और एडवर्ड ये यूनाइट हो जाते हैं, लवर्स यूनाइटेड. नॉवल इज़ इंस्पायर्ड बाय जॉर्ज मेरेडिथ. जॉर्ज मेरेडिथ राइटर हैं, इनसे ये नॉवल इंस्पायर्ड है. तो बेसिकली इसमें एक कैरेक्टर है ग्रे, जो दूसरे कैरेक्टर एडवर्ड से प्यार करता है, बट उसकी शादी होती है एनिस से, एनिस सुसाइड कमिट करता है, और बाद में ये दोनों लवर्स जो हैं वो यूनाइट हो जाते हैं. नेक्स्ट नॉवल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल. ये फुल टाइटल है नॉवल का, अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल. ये सेकेंड नॉवल है थॉमस हार्डी का. हार्डी ओरिजिनली कॉल्ड इट द मेलस्टॉक क्वायर. तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नॉवल को हार्डी ने द मेलस्टॉक क्वायर कहा था. द नॉवल वॉज अंडर द ग्रीनवुड ट्री. ये जो टाइटल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है, उसके एक सॉन्ग से लिया गया है. और इस नॉवल में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फैंसी. तो जब कैरेक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं कि दिस कैरेक्टर बिलोंग टू विच नॉवल, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नॉवल्स के वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फैंसी. थर्ड इज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. ये फोर्थ नॉवल है थॉमस हार्डी का, बट वेक्सेस की सीरीज़ में ये फर्स्ट नॉवल है. यानी सबसे पहले जो वेक्सेस का टाउन है वो दिखाया गया था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में.
इसका टाइटल जो है वो लिया गया थॉमस ग्रे का जो एलजी थी, द एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वहाँ से ये टाइटल लिया गया, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ये पब्लिश हुआ इन कॉर्नहिल मैगजीन। इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है गैब्रियल ओक, जो कि एक शेफर्ड है, और इनकी शादी होती है बैथसीब एवरडेन से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर गैब्रियल ओक इज मैरिड टू बैथसीब एवरडेन। कॉर्नहिल मैगजीन में ये पब्लिश हुआ। थॉमस ग्रे की एलजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड से ये नेम आया, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जबकि अंडर द ग्रीनवुड ट्री नेम आया था एज यू लाइक इट के सॉन्ग से। फोर्थ वर्क है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये सिक्स नॉवल है और ये अपियर हुई बेलग्रेविया मैगजीन में इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स मीन्स हर मंथ एक पोर्शन इस नॉवल का आता था इस मैगजीन में। आपको हर नॉवल की मैगजीन ध्यान रखनी है कि कौन सी मैगजीन से वो कौन सी मैगजीन में वो नॉवल पब्लिश हुआ था, एपिसोड्स में पब्लिश हुआ था, या उसका टाइटल कहाँ से लिया गया, और उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है वो बेलग्रेविया मैगजीन में पब्लिश हुआ। इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लिम योब्राइट। क्लिम योब्राइट जो है एक डायमंड मर्चेंट है इन पेरिस। तो आपको ध्यान रखना है कि योब्राइट जो है वो पेरिस से बिलोंग करता है और वो एक डायमंड मर्चेंट है, और इस नॉवल की जो थीम है वो कॉन्ट्रोवर्शियल थी। नॉवल हैज अ कॉन्ट्रोवर्शियल थीम। द नॉवल इज द रिटर्न ऑफ द नेटिव। फिफ्थ इज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है और इसको डिटेल स्टडी करना है, आपको इन डिटेल पूरा नॉवल पढ़ना है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप प्लीज उसे चेक कीजिए, जहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट समरी दी है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और इसके कोट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द कोट इज हैप्पीनेस वॉज द ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। सिक्स्थ नॉवल इज द ट्रम्पेट मेजर। दिस इज द ओनली हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी। तो क्वेश्चन है कि विच इज द हिस्टोरिकल नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी, तो द ट्रम्पेट मेजर, एंड इट इज द ओनली हिस्टोरिकल नॉवल, यानी सिर्फ एक यही नॉवल है जो कि हिस्टोरिकल नॉवल है। ये सेट हुआ वेमाउथ में ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स, जब नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे उस टाइम वेमाउथ में इसकी सेटिंग है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है एन गार्लैंड, एनी गार्लैंड मेन कैरेक्टर है, और इसके थ्री सूटर्स हैं। थ्री सूटर्स मीन्स तीन लोग हैं जो एनी गार्लैंड से शादी करना चाहते हैं। उन तीनों के नेम है बॉब, फेस्टिस एंड जॉन लवडे। तो रिमेंबर द कैरेक्टर एनी गार्लैंड एंड द नेम ऑफ द थ्री सूटर्स, बॉब, फेस्टिस एंड जॉन लवडे। सेवेंथ नॉवल इज द वुडलैंडर्स। इसकी सेटिंग आप ध्यान रखिए, लिटिल हिंटॉक एक विलेज है, ओके? तो द वुडलैंडर्स की सेटिंग है लिटिल हिंटॉक। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है गिल्स विंसेंट बॉन का। ही मेक्स एफर्ट्स टू मैरी हिज चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ग्रेसी मेलबरी। तो बेसिकली द वुडलैंडर्स में आपको दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के नेम ध्यान रखने हैं, गिल्स विंसेंट बॉन एंड ग्रेस मेलबरी, और ये दोनों कोशिश कर रहे हैं टू गेट मैरिड। नेक्स्ट वर्क इज जूड द ऑब्स्क्योर। दिस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आपको डिटेल स्टडी करना है। दिस इज़ द लास्ट कम्प्लीटेड नॉवल। ये लास्ट कम्प्लीटेड नॉवल है थॉमस हार्डी का। ओरिजिनली ये प्रिंट हुआ इन हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन। तो रिमेंबर द नेम हार्पर्स मैगजीन, जहाँ पे जूड द ऑब्स्क्योर पब्लिश हुआ। इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो जूड फॉले जो है इज़ मैरिड टू एरेबेला डॉन। एरेबेला डॉन गिव्स बर्थ टू अ बॉय एंड देन मूव्स टू ऑस्ट्रेलिया। ये एक लड़के को जन्म देती है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। इसके ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जूड फॉले अपनी कज़न स्यू ब्राइडहेड से प्यार करने लगता है, बट स्यू ब्राइडहेड की शादी हो जाती है फिलॉटसन से, जो कि एक स्कूल मास्टर है, ओके? और ये एज में स्यू ब्राइडहेड से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद स्यू ब्राइडहेड और जूड फॉले के बाद फिजिकल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये साथ रहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद एराबेला दोबारा लौट कर आती है, और तब एराबेला का जो बेटा है उसे स्यू जो है वो अडॉप्ट करती है, यानी स्यू टेक्स चार्ज ऑफ अ बॉय। और एंड ये दिखाया है कि जूड मीट रैचल्स एट द एज ऑफ 30, यानी एट अ वेरी स्मॉल एज, एट द एज ऑफ 30 जूड की जो लाइफ है वो एक तरीके से फिनिश हो गई, यानी बहुत ज़्यादा मिजरीज के साथ अब वो जी रहा है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी लाइन है कि जूड इज़ मैरिड टू एराबेला
Arabella moves to Australia. Jude is in love with Sue Bridehead. Sue Bridehead is married to Phil Ottson. Then Jude and Sue Bridehead live together. And then when Arabella returns, Sue Bridehead takes charge of her boy. Ninth work is Two on a Tour. यहाँ epigraph बहुत important है इस novel का, क्योंकि इस novel का जो epigraph है वो Richard Crashaw की poem Love's Horoscope से लिया गया है. तो Two on a Tour की important चीज़ है उसका epigraph, जो Richard Crashaw's की poem Love's Horoscope से लिया गया है. यहाँ पे एक unhappily married lady है, Constantine. ओके, कॉन्स्टेंटाइन जो लेडी है वो ऑलरेडी मैरिड है मगर वो खुश नहीं है, और अब वो प्यार करती है स्विथिन सेंट क्लीव से, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है और 10 ईयर्स यंगर है. यानी कॉन्स्टेंटाइन से 10 ईयर्स ये छोटा है. कॉन्स्टेंटाइन अपनी शादी से खुश नहीं है और अब वो प्यार करती है स्विथिन सेंट क्लीव से. तो टू ऑन अ टॉर में आपको सिर्फ एक एपिग्राफ ध्यान रखना है कि कहाँ से लिया गया है, और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ध्यान रखना है कॉन्स्टेंटाइन एंड स्विथिन सेंट क्लीव. टेंथ वर्क इज अ पेयर ऑफ ब्लू आइज. ये थर्ड नॉवल है और ये रिलीज की गई इन टिंसले मैगजीन. रिमेंबर द नेम टिंसले मैगजीन. यहाँ पे एक लव ट्राइंगल दिखाया गया है. एल्फ्राइड स्वानकोट लेडी है और इसके दो सूटर्स हैं, यानी दो लोग हैं जो इसे पसंद करते हैं. स्टीफन स्मिथ जो कि सोशली इन्फीरियर है, एंड हेनरी नाइट जो कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है. एल्फ्राइड जो है वो स्टीफन के साथ भाग जाती है. ओके, बाद में एल्फ्राइड के फादर को पता चलता है कि स्टीफन तो एक मेसन का बेटा है, तो वो इनके लव को एक्सेप्ट नहीं करता और हेनरी नाइट से इसकी शादी कराना चाहता है. बट जब हेनरी नाइट को पता चलता है कि एल्फ्राइड तो ऑलरेडी स्टीफन के साथ इन्वॉल्व थी, तो वो उससे शादी करने से मना कर देता है और दोनों ही स्टीफन और हेनरी दोनों ही एल्फ्राइड को छोड़ के चले जाते हैं. लास्ट में एल्फ्राइड शादी करती है लॉर्ड लक्सेलियन से. लॉर्ड ल्यूक्सेलियन. ओके, तो रिमेंबर द फोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स: एल्फ्राइड स्वानकोट, स्टीफन स्मिथ, हेनरी नाइट. And then lastly, Elfright Swancourt is married to Lord Luxellian. इस नावल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसका जो एंड है उसमें ये दिखाया गया है कि स्टीफन और हेनरी दोनों ही एल्फ्राइड से मिलने जा रहे हैं, और जिस ट्रेन में वो जा रहे हैं उसी में एल्फ्राइड का कॉफिन भी है. यानी एल्फ्राइड मर चुकी है और उसका कॉफिन भी उसी ट्रेन से ले जाया जा रहा है. 11th is The Hand of Ethelberta, a comedy in chapters, written in serial form in Cornhill magazine. तो यहाँ पे कुछ डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये वर्क जो है वो सीरियल फॉर्म में लिखा गया इन Cornhill magazine. अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि 1890s में हार्डी की कई सारी नॉवेल्स जो है वो पब्लिश हुई, एक यूनिफॉर्म तरीके से पब्लिश हुई, और उसको टाइटल दिया गया द वेक्सेस नॉवेल्स. ओके, तो 1890s में जो नॉवेल्स पब्लिश हुई उनको टाइटल दिया गया द वेक्सेस नॉवेल्स. 1912 में एक डेफिनाइट एडिशन आया इन नॉवेल्स का, कुछ चेंजेस के साथ इन नॉवेल्स को लेकर आया गया, और तब इसे टाइटल दिया गया द वेक्सेस एडिशन. ओके, तो 1890s जो था उसमें जो आया था वो था द वेक्सेस नॉवेल्स, और 1912 का था द वेक्सेस एडिशन. अब देख लेते हैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ हार्डी. दे आर वेक्सेस टेल्स, अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स, Life's Little Irony. कुछ इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज हैं हार्डी के जिनके नेम्स आपको ध्यान रखने हैं. वेक्सेस पोएम्स, इसमें टोटल 51 पोएम्स हैं. पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, टाइम्स लाफिंग स्टॉक्स, सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, मोमेंट्स ऑफ विजन, लेट लिरिक्स एंड अर्लियर, ह्यूमन शोज, कलेक्टेड पोएम्स, एंड ऑगस्ट मिडनाइट, द डार्कलिंग थ्रश, आर यू डिगिंग ऑन माई ग्रेव. तो यहाँ पे आपको नेम्स ध्यान रखने हैं कि हार्डी की 3 शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके नेम्स ध्यान रखिए, और हार्डी की 11 पोएम्स उनके भी आप नेम्स ध्यान रखिए. वेक्सेस पोएम्स में 51 पोएम्स हैं. अब बात कर लेते हैं प्लेज बाय हार्डी. तो 2 इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं थॉमस हार्डी के. फर्स्ट है द डायनेस्ट. ये एक एपिक ड्रामा है इन वर्स. क्योंकि ये वर्स में लिखा गया है तो कभी कभी इसे एपिक पोएम भी कहा जाता है. ये एक एपिक ड्रामा है इन वर्स, डिपिक्टिंग द वॉर विथ नेपोलियन. नेपोलियन के साथ जो वॉर हुआ वो यहाँ पे दिखाया गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस हार्डी का द डायनेस्ट, और इसको डिटेल स्टडी करना है.
सेकेंड वर्क इज द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवेल एट टिनजेल इन लायोनीज. रिमेंबर द नेम, दिस इज अ प्ले बाय थॉमस हार्डी, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवेल एट टिनजेल इन लायोनीज. अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं. थॉमस हार्डी डाइड इन 1928 एट मैक्स गेट एंड ब्यूरीड इन वेस्ट मिनिस्टर एबे. तो हमें ध्यान रखना है कि थॉमस हार्डी को ब्यूरी किया गया था वेस्ट मिनिस्टर एबे में, जो कि पोएट्स को जहाँ तक ब्यूरी किया जाता है. सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेज, ये कलेक्शन है थॉमस हार्डी की 18 पोएम्स का. ये लिखा गया है ऑन द डेथ ऑफ हार्डीज वाइफ एमा. थॉमस हार्डी की वाइफ एमा के डेथ पे ये लिखा गया है सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेज. ये कलेक्शन है 18 पोएम्स का. बाद में इन पोएम्स के नंबर को इंक्रीज किया गया और 21 कर दिया गया. ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेज ये लिखा गया ऑन द डेथ ऑफ हार्डीज वाइफ एमा. उसके बाद पोएम्स सच एज न्यूट्रल टोन्स एंड अ ब्रोकन अपॉइंटमेंट डील विद द थीम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन लव एंड लाइफ. तो ये दोनों पोएम्स के नाम भी आप ध्यान रखिए, न्यूट्रल टोन्स एंड अ ब्रोकन अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे इनकी थीम है डिसअपॉइंटमेंट इन लव एंड लाइफ. डी एच लॉरेंस ने लिखा स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी. तो याद रखिए स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी ये वर्क है और ये लिखा गया है डी एच लॉरेंस के द्वारा. वर्ड्सवर्थ का एक वर्क था द लीच गैदरर. हार्डी कहते हैं कि ये जो वर्क है वर्ड्सवर्थ का, ये मेरे डिस्पेयर का बेस्ट क्योर है. मतलब हार्डी को ये वर्क बहुत पसंद था द लीच गैदरर, एंड ही सेज इट इज़ द बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. That's it for Thomas Hardy. For more such revision notes, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Bell icon ज़रूर press करिए ताकि आपको मेरे videos के notifications मिलते रहें. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.